Good morning, students. Today I teach you SST Standard First Chapter 11 Festivals. Last class में हम लोगों ने जो festivals त्योहार का जो chapter था उसको read किया था and उससे related आज exercise. So first tick the correct answer. पहले आपको tick the correct answer में है which of the following is used to celebrate the festivals. नीचे जो option दिए गए इनमें से आप किसका use करके festivals पर celebrate करते हैं. गिफ्ट स्वीट्स लाइट्स या ऑल ऑफ देम. सो गिफ्ट हम सभी को एक्सचेंज करते हैं, मतलब गिफ्ट देते हैं अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को. स्वीट्स मिठाइयाँ जो बनती हैं और लाइट्स भी लगाते हैं सब लोग, तो आप किसका यूज करते हैं? ऑल ऑफ देम. सो डी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ देम इज राइट आंसर. ओके, इन सभी का यूज करके हम अपने जो हमारा फेस्टिवल होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट्स इज स्पेशली प्रिपेयर ऑन होली. यहाँ पे नीचे जो आपको फोर स्वीट्स देंगे, स्वीट्स के नेम है जो आपको बताने हैं कि होली पर कौन सी स्पेशली, जो होली की स्पेशली है स्वीट वो कौन सी है. सो यहाँ पे रसगुल्ला, जलेबी, भुजिया या पेड़ा. यहाँ पे सभी पिक्चर दी गई बट मैंने यहाँ नेम लिखे हैं. ओके, सो यहाँ पे जो होली पर बनती है वो भुजिया होती है. सो सी आंसर इज राइट होगा, भुजिया इज राइट आंसर, क्योंकि भुजिया स्वीट जो है वो होली पर बनाई जाती है. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर डू पीपल गो टू प्रे ऑन ईद. इसमें है कि इसका मतलब है कि पीपल जो है वो प्रेयर करने के लिए ईद पर कहाँ जाते हैं, पूजा करने के लिए, आई मीन जो उनकी प्रार्थना करने के लिए. सो ए टेम्पल, बी चर्च, सी मास्क, बी गुरुद्वारा. टेम्पल मंदिर, चर्च होता है जो गिरजाघर बोलते हैं, मास्क मस्जिद, एंड बी गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा ही होता है. ओके, सो यहाँ जो ईद पर सब लोग जाते हैं वो मास्क मस्जिद में जाते हैं. सो सी आंसर होगा, वो राइट होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे यस या और नो फॉर गिविंग स्टेटमेंट. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में है इसमें आपको यस या नो करना है जो सेंटेंस दिया गया. अगर राइट है तो यस और रॉन्ग है तो नो. सो फर्स्ट, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त. रिपब्लिक डे जो होता है ये होता है गणतंत्र दिवस और हम इसे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, बट इसने बोला है कि हम इसको 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. तो ये कैसा होगा? नो, 15 अगस्त को हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को जो तो सेलिब्रेट करते हैं वो रिपब्लिक डे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स. दिवाली को हम लाइट्स का फेस्टिवल कहते हैं, तो ये कैसा होगा? यस. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इफ्तीज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर इमर्स्ड इनटू द वाटर. यहाँ बोला है कि जो उनके रावण के, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले होते हैं उनका क्या पानी में डूबो जाता है, तो ये रॉन्ग होगा, आई मीन नो. ओके, यहाँ पे आपको नो फिल करना है क्योंकि इनके पुतलों को तो आग दिए जाते हैं, आग लगाई जाती है, आई मीन बर्न जलाई जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त. सो यहाँ मैंने ऑलरेडी यस करके रखा है बिकॉज यस लिखने प्रॉब्लम हो रही थी. यहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे को जो दिल्ली पे रेड फोर्ट है वहां पे फ्लैग को होस्ट करते हैं, फ्लैग फहराते हैं हमारा नेशनल फ्लैग जो है, तो यस. ओके, तो ये सही है. नेक्स्ट, तो ये होमवर्क में आपको राइट एंड लर्न लिख लेना हो, लर्न करना है, और इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. ओके, सो थैंक यू.